हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट अर्चना। और सर्दियों का मौसम आ चुका है फ्रेंड्स, तो प्लांट्स की शॉपिंग तो बनती है, तो मैंने भी कर लिया है कुछ शॉपिंग और चल के दिखाती हूं घर आपको कि मैंने क्या क्या लिया है। तो चलिए घर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अपने घर और मैं दिखाती हूँ अपने प्लांट्स की शॉपिंग। तो ये मैंने लिया है फर्न एक, और एक लिया है स्नेक प्लांट। वैसे मेरे पास दो वैरायटी थी स्नेक प्लांट की, लेकिन ये एक अलग वैरायटी है। आप देख सकते हैं इसकी लीफ राउंड शेप में है, ये देखिए। तो मैंने एक स्नेक प्लांट लिया और ये फर्न देखिए, इसकी छोटी छोटी लीव्स हैं, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने ले लिया था। वैसे मैं गई थी फूलों वाले पौधे लेने के लिए, तो मैं अपने फूलों वाले पौधों की भी शॉपिंग की है, मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए, ये दो कलर के गुलदावरी मैंने लिया, उसमें से एक गुलदावरी के फ्लावर्स के पेटल्स दो कलर के हैं, आप देख सकते हैं पिंक और मैरून कलर के। तो ये कलर मेरे पास नहीं था तो मैंने लिया, और दूसरा वाला भी मैंने लिया है तो वो भी मैरून कलर ही है, लेकिन वो इसके पेटल्स सिर्फ मैरून ही हैं, दो कलर में नहीं है, सिंगल कलर में है। और इसके अलावा मैंने ये लिया है कॉस्मोस के दो प्लांट, इसमें कुछ इस तरीके के फ्लावर खिलते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये भी फूलों वाले ही पौधे हैं, कॉस्मोस का प्लांट मैंने दो लिया है। इसके अलावा विंटर हो और अगर पिटोनिया न लगाया जाए गार्डन में तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, तो मैंने ढेर सारे पिटोनिया खरीदे हैं। करीब करीब ये छः या सात मैंने पिटोनिया लिया है। तो इसे किस तरीके से मैं लगाने वाली हूँ वो एक अलग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसे साइड में पहले रख दूँ, तो 6-7 मैंने पिटोनिया खरीदे हैं, अलग अलग कलर के हैं। नर्सरी वाले को बोला था मैंने कि अलग अलग कलर के दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। और इसके अलावा मैंने एक लिया है, ये कैलेंचो का प्लांट है, तो ये कैलेंचो का एक प्लांट लिया है, तो ये भी एक अलग कलर है, ये मेरे पास नहीं था तो इसे भी मैंने लिया। तो इस तरीके से मैंने टोटल इतने प्लांटों की शॉपिंग की है, इतने प्लांट्स लिए हैं मैंने। अब इन सभी प्लांट्स को मैं अपने पुराने गमले की सॉइल में ही लगाने वाली हूँ, तो वो वीडियो देखिएगा कि मेरे गमले की सॉइल में किस तरीके से चींटियों का अटैक हो गया था, और उसी सॉइल को मैं रीयूज़ कर रही हूँ। तो क्या क्या मैंने यूज़ किया था कि दोबारा फिर इस सॉइल में चींटियों का अटैक न हो या किसी तरीके का फंगस न लगे, तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मैं दे रही हूँ, तो आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं उस वीडियो को, और मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ड्रेनेज होल पे मैंने छोटा सा पत्थर रखा और स्नेक प्लांट लगाने जा रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग कि स्नेक प्लांट मेरे स्पॉट से बड़ा है, तो इसे मैं कट कर ले रही हूँ। और एक ये प्लांट तो मेरे पास है ही, इसे मैं ऐसे लगा दे रही हूँ, और इसके साथ ये कटिंग को भी मैं फेंकने वाली नहीं हूँ, इसे भी मैं ग्रो करूँगी, ये देखिए इस तरीके से लगा दूँगी, तो इसमें से भी नया प्लांट निकल जाएगा कुछ समय के बाद, तो इसे भी फेंकना नहीं है मुझे, जल्दी से ये पॉट भर जाएगा, तो उसकी वीडियो मैं कभी न कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए, नेक्स्ट प्लांट को मैं इस गमले में लगाने जा रही हूँ, तो इसके लिए पुराने दिए, दिवाली के दो दिए होते हैं, उसे ये ड्रेनेज हॉल पे रखा है तोड़कर, और सेम सॉइल में ही इस फर्न को भी लगा दिया फ्रेंड्स। एक और प्लांट मुझे लगाना है, तो इसी के लिए इस बोतल के ड्रेनेज हॉल पर मैंने नारियल के रेशे डाले और इसमें कॉस्मोस लगा दिया, तो इन दोनों बोटल्स में ही मैं अभी लगा रही हूँ। बाद में जब मैं प्लांटर लेकर आऊँगी तो उसमें इसे शिफ्ट करूँगी। और ये देखिए, इसमें सूखी हुई पत्ती मैं यूज़ कर रही हूँ, ड्रेनेज होल पे मैं सूखी हुई पत्ती, अपने ही गार्डन के जो सूखी हुई पत्ती होती है उन्हें मैं वेस्ट नहीं करती, उसे इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ, और इस कैलेंजो को लगा दिया। तो इस तरीके से एक एक करके मैंने अपने सभी पौधों को लगा लिया है, और पानी देकर गार्डन में जहाँ जहाँ मुझे जगह मिला वहाँ वहाँ इसे शिफ्ट किया। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बालकनी का व्यू, आप देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी बालकनी कैसी लगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बातों ही बातों में अपने सारे पौधों को लगा लिया है, जिन पौधों को मैं नहीं दिखा पा रही हूँ उन्हें किसी और वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरे बालकनी का व्यू, जिन पौधों को अभी अभी मैंने लगाया है उनमें से कुछ पौधों को तो मैंने यहाँ बालकनी में रखा हुआ है और कुछ को दूसरे वाले फ्लोर पे रखा है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे बालकनी का व्यू, कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को मेरी बालकनी कैसे लगी। वैसे तो बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो डोरमेंट हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, विंटर ख़त्म होते ही ये सारे प्लांट्स फिर ठीक हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप लोग कमेंट दीजिएगा कि मेरी बालकनी आप लोगों को कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।